जय श्री कृष्णा बच्चों, आज बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई नाम से हम लोग इसको जानते हैं। और ये जो चैप्टर होता है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको बताएं। 1820 के आसपास ओर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बताया था कि जब करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जब भी करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। तो फैराडे जो थे, फैराडे का नाम ईएमआई में आता है, फैराडे ने कहा कि भाई इसका उल्टा भी हो सकता है, कहीं अगर मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड में हम बदलाव करते हैं तो करंट भी प्रोड्यूस हो सकता है। और फैराडे ने इस बात को करके भी देखा था, और उन्होंने देखा था कि कोई जैसे चुंबक है, ठीक है, तो उस जैसे ऐसे समझो, मैं सिचुएशन समझा दे रहा हूं कहां से आया था ये फिनोमिना, कहां से आया था। सपोज करो कोई एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और जो एमीटर लगा हुआ है, बैटरी कुछ नहीं लगी है, बैटरी नहीं लगी, एक एमीटर लगा है, और मान लो कि एक मैग्नेट है, जैसे ये डस्टर मान लिया कि एक मैग्नेट है, तो अगर मैं इस मैग्नेट को इसके पास लाता हूं, तो मैग्नेट को पास में लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होगा, तो देखा ही गया था कि एमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाता है, ऐसे घूम गया एमीटर। अगर मैं इसको दूर ले जाता हूं ऐसे, यानी इसी मैग्नेट को अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो फिर से इसमें डिफ्लेक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही ईएमआई का फिनोमिना है। इन ईएमआई का जो फिनोमिना था उसमें फैराडे ने यह ऑब्जर्व किया था, फैराडे का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बदलाव करते हैं तो करंट पैदा होता है। ओर्स्टेड ने बताया था कि करंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो फैराडे ने बोला कि नहीं भाई इसका उल्टा भी होगा। अब ये जो ईएमआई का फिनोमिना होता है, इसको स्टडी करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ईएमआई का फिनोमिना अभी मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन ईएमआई का जो फिनोमिना है वो हम तभी समझ सकते हैं जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम यहां पर टर्म आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स एकदम वही है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था, किसी भी गिवन एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें गुजर रही हैं उनकी संख्या को मेजर करने का एक तरीका था, जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वही चीज है। मैग्नेटिक फ्लक्स को भी हम लोग उसी सिंबल से दिखाते हैं, फाई से ही दिखाते हैं, और ये किसी गिवन एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करता है। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख भी देता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ, इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक, इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग फ्रॉम ए गिवन एरिया, इट इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग फ्रॉम ए गिवन एरिया। किसी गिवन एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें गुजरती हैं उनका मेजर होता है। फील्ड लाइनें ज्यादा होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें तो ये फ्लक्स ज्यादा आएगा, मतलब फाई जो है वो ज्यादा आएगा, और अगर कम होंगी तो कम आएगा, ठीक है। डेफिनेशन भी इसकी एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन थी। जैसे हम जब इसके डेफिनेशन बनाएंगे तो डी फाई इज इक्वल टू, हम बोलेंगे बी डॉट डी ए, डी फाई जो है इसको हम बी डॉट डी ए बोलेंगे, जहां पर डी फाई जो है एरिया डीए से गुजरने वाला फ्लक्स है। डी फाई जो है स्मॉल एरिया डीए से गुजरने वाला स्मॉल फ्लक्स है। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे भी इसको, डी फाई क्या है, डी फाई इज स्मॉल फ्लक्स, स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया डी फाई इज ए स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया डीए, छोटे से एरिया डीए से गुजरने वाला छोटा सा फ्लक्स है ये, स्मॉल फ्लक्स फ्रॉम स्मॉल एरिया डीए। डी फाई की जो वैल्यू है
वो बी डॉट डी ए के बराबर होगी। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, मान लो कि हम इसको इंटीग्रेट करें, तो इसका जो मान लीजिए कि जब इंटीग्रेट करके हम वैल्यू निकालेंगे तो ये जीरो से फाई जाएगा और इसका जो भी एरिया का लिमिट होगा तो फाई की जो वैल्यू आएगी ये बराबर जाएगी क्लोज्ड इंटीग्रल, सॉरी इंटीग्रल बी डॉट डी ए, यहां जाएगी वैल्यू। अब जैसा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि अगर बी कॉन्स्टेंट नहीं है तब तो बी और ए में रिलेशन निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर बी कांस्टेंट है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो बी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर इफ वेक्टर बी इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो दोनों एक ही बात है, फील्ड के केस में कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक ही चीज होती है। इफ वेक्टर बी इज यूनिफॉर्म इन दैट केस फाई क्या हो जाएगा, बी डॉट डी हो जाएगा और ये जाएगा जीरो से वेक्टर ए, ये जीरो से वेक्टर ए जाएगा और फिर हम अगर फाई की वैल्यू निकालेंगे तो फाई जो आएगा वो बी डॉट ए आएगा। ध्यान रहे ओरिजिनल फार्मूला है बी डॉट डी ए, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम लोग फाई को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फाई जो होता है एक स्केल डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी होगी और इसका यूनिट होगा टेस्ला इंटू मीटर, सॉरी इसका जो यहां बिल्कुल फ्लक्स जो है इसका यूनिट होगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिख लेता हूं, मैं लिख देता हूं फाई इज स्केलर, स्केलर एंड हैव यूनिट टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को वेबर भी कहते हैं, वेबर भी इसका यूनिट होता है और एक वेबर होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, जो एक वेबर है ये टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो ऐसे भी कई बार मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट भी आप देखोगे वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को भी वेबर पर मीटर, जैसे टेस्ला हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट मीटर स्क्वायर एरिया का हो गया, तो एक वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अब ध्यान से आप देखें तो फाई की जो वैल्यू आ रही है, ये फाई की वैल्यू आ रही है बी ए कॉस थीटा। तो अगर मैं फाई में बदलाव करता हूं तो फाई में मैं तीन तरह से बदलाव कर सकता हूं। एक तो फाई में बदलाव करने के लिए मैं बी को बदल दूं, बी की वैल्यू बदल दूंगा तो फाई बदल सकता है, या मैं एरिया की वैल्यू बदल दूं तो भी फाई बदल सकता है, अगर मैं बी बदलूंगा तो भी फाई बदलेगा, एरिया की वैल्यू बदल दूं तो भी फाई बदल सकता है, और अगर मैं थीटा बदल दूं तो भी फाई बदल सकता है। फाई तीनों सिचुएशन, तीन तरह से फाई को बदला जा सकता है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर फाई का वेरिएशन है। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग फाई का वेरिएशन ही सीखेंगे। फाई तीन तरह से हम बदल सकते हैं, बी बदल के, ए बदल के, थीटा बदल के, तीनों तरह के वेरिएशन देखेंगे। और कई बार दो बी ए थीटा तीनों बदल दिया तो भी फाई बदलेगा, तीनों में से कोई एक बदला तो भी बदलेगा। तो फाई का जो वेरिएशन है उससे जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, हम लोग फाई के वेरिएशन से जुड़ी बात करेंगे। तो फाई जो होता है वो बी ए कॉस, अच्छा फाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, थीटा जीरो से 90 के बीच कर दोगे तो फाई पॉजिटिव होगा, थीटा 90 करोगे तो फाई जीरो हो जाएगा, 90 से 180 होगा तो फाई नेगेटिव हो जाएगा। तो फाई पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जैसे फाई की जो वैल्यू आ रही है वो बी ए कॉस थीटा के बराबर आ रही है। अब हम लोग ईएमआई का जो फिनोमिना होता है, ईएमआई का जो फिनोमिना है वो फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ईएमआई का फिनोमिना जो है वो ये है, जो फेराडे ने ऑब्जर्व किया था वो ये था कि जब भी कभी, ये तो मैंने आपको फ्लक्स बताया क्योंकि फ्लक्स की मदद से ईएमआई हम लोग सीखते हैं, तो ईएमआई का जो फिनोमिना है वो ये होता है कि जब भी कभी किसी बंद लूप का, कोई भी लूप है तो उस लूप का अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाता है, कभी भी कोई बंद लूप है, जैसे मान लीजिए कोई भी बंद लूप ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हम उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो लूप के अंदर ईएमएफ पैदा होता है, एक बैटरी टाइप की, इमेजिनरी टाइप की बैटरी बन जाती है, एक इमेजिनरी बैटरी ऐसी बन जाती है जिसमें करंट फ्लो करने लगता है। तो जब भी किसी लूप का हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो लूप के अंदर एक ईएमएफ पैदा होता है, और ये जो ईएमएफ पैदा होता है ये बेसिकली, ये जो ईएमएफ होता है ये, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, इसका नाम है ना इस चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब भी कोई बंद लूप है उसका अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे तो लूप के अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है। ठीक है, और अगर लूप बंद है और कंडक्टिंग है तो फिर उस लूप के अंदर करंट भी फ्लो करने लगता है, अगर क्लोज लूप होगा कंडक्टिंग होगा तो उसके अंदर करंट फ्लो करने लगता है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर से सुने, कोई भी बंद लूप है, क्लोज लूप होना चाहिए, ये मान लीजिए कि एक क्लोज लूप है,
किसी भी तरह का कोई एक क्लोज लूप मैंने ले लिया और अगर इस क्लोज लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलता हूं, मान लीजिए जो क्लोज लूप है इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में मैं बदलाव करता हूं, तो इस क्लोज लूप का जो फ्लक्स है वो बदलेगा। तो फ्लक्स बदलने से क्या होगा कि इसका जो मतलब इसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। फ्लक्स जब भी चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा हो जाता है और ये जो ईएमएफ होता है इसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और अगर सर्किट कंप्लीट है, लूप कंप्लीट है, तो फिर ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वजह से करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो मैं पहले फिनोमिना को लिख दे रहा हूं। व्हेनेवर फ्लक्स, पूरा लिख देता हूं मैं, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस इन ए क्लोज लूप, ईएमएफ मतलब वही जो बैटरी वाला ईएमएफ होता था ना, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। Whenever magnetic flux changes in a loop, an EMF is induced in it. If the loop is complete, if the loop is complete, a current flows in it. Whenever magnetic flux changes in a closed loop, an EMF is induced in it. If the loop is complete, obviously conducting loop होना चाहिए तभी current flow करेगा. If the loop is complete, a current flows in it. The EMF is called induced EMF. The EMF is called induced EMF and the current thus produced is called induced current. Whenever magnetic flux changes in a closed loop, an EMF is induced in it. If the loop is complete, a current flows in it. The EMF is called induced EMF and the current thus produced is called induced current. तो EMI का जो phenomena होता है electromagnetic induction का, उसके अंदर किसी भी बंद लूप का अगर मैं magnetic flux बदलूंगा, flux बदलने के तीन तरीके हैं, flux में B बदल के बदल सकता हूं, A बदल के और theta बदल के। तो किसी भी तरह से अगर मैं magnetic flux में बदलाव करूंगा तो उस लूप के अंदर अपने आप एक EMF पैदा हो जाएगा और ये जो EMF है कितना होगा अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसका भी नियम दिया है फैराडे ने, लेकिन अभी तो घटना क्या है, होता क्या है इसके अंदर वो मैं बता रहा हूं। तो जब भी फ्लक्स चेंज करोगे EMF पैदा होगा और अगर लूप कंप्लीट है, कंडक्टिंग लूप है, लूप कंप्लीट है, तो उसके अंदर करंट का फिनोमिना होगा। एक फिनोमिना ये हो गया। दूसरा, ईएमआई के अंदर एक और फिनोमिना आता है, दूसरा वाला फिनोमिना जो है, इन दोनों फिनोमिना को इकट्ठे मिला के हम लोग ईएमआई कहते हैं। एक तो फिनोमिना ये जो मैंने लिखा कि कोई भी बंद लूप है और उसके अंदर का अगर आपने मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, बंद लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने बदल दिया तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। दूसरा जो फिनोमिना इसके अंदर आ रहा है वो फिनोमिना मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा फिनोमिना जो होता है उसमें लूप बंद नहीं होता, उसमें लूप खुला होता है। ठीक है, वो क्या है फिनोमिना मैं आपको बता दूं। दूसरा फिनोमिना देखें, जैसे मान लीजिए कि ये है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह की क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह से करंट इसके अंदर फ्लो, सॉरी गलत बोल गया मैं, करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टिंग रॉड है। ठीक है, ये जो कंडक्टिंग रॉड है ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई और इस रॉड को हमने चलाना चालू कर दिया। ठीक है,
अब हम इस रॉड को जब चलाना चालू कर देते हैं तो ये रॉड के अंदर भी एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, कंडक्टिंग रॉड होनी चाहिए कोई भी रॉड। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करती है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करती है तो उस रॉड के अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाता है। ये जो इसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मोशन के कारण है, ये जब चलता है तो ये जब रॉड चलेगी तो इसमें मोशन आएगा, इसी मोशन के कारण ये ईएमएफ पैदा होता है, तो इस वजह से हम इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, इसका नाम मोशनल ईएमएफ इसीलिए है क्योंकि ये मोशन के कारण होता है। और ये वाला फिनोमिना और ये वाला फिनोमिना, दोनों फिनोमिना को मिला के हम ईएमआई कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला फिनोमिना क्या है समझिएगा, पहला फिनोमिना है कि अगर कोई बंद लूप है उसका मैं मैग्नेटिक फ्लक्स बदलूंगा तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा, और अगर लूप बंद है कंडक्टिंग है तो करंट भी होगा, ये पहला फिनोमिना हो गया। दूसरा, अगर मान लो एक रॉड है कंडक्टिंग रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को काट रही है तो इस रॉड के अंदर भी ईएमएफ पैदा होगा, ये वाला ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहा जाता है। मोशनल क्योंकि ये मोशन के कारण आया, इसके चलने के कारण आया है, और इस तरह से जो ईएमएफ पैदा होता है उसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और इस फिनोमिना और इस फिनोमिना, इन दोनों को मिला के ईएमआई कहते हैं। ईएमआई में दो घटनाएं आती है, एक बंद लूप का फ्लक्स चेंज कर दो तो ईएमएफ पैदा होगा, एक कंडक्टिंग रॉड है फील्ड लाइनों को कट करेगी तो ईएमएफ पैदा होगा। ये वाला ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, ये वाला ईएमएफ मोशनल ईएमएफ कहा जाता है, और ये दोनों घटनाएं मिलाकर के ईएमआई कही जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये घटना भी आएगी, ये घटना भी आएगी, ये दोनों घटनाएं मिलाकर ईएमआई कही जाएगी। अब ये घटना क्या है मैंने आपको समझा तो दिया, मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, whenever a conducting rod cuts the magnetic field lines, whenever a conducting rod cuts the magnetic field lines, an EMF is induced in it. An EMF is induced in it. This EMF is called motional EMF. Whenever a conducting rod cuts the magnetic field lines, an EMF is induced in it. This EMF is called motional EMF. और ये जो दो फिनोमिना है, ठीक है, ये मोशनल ईएमएफ वाला फिनोमिना और ये जो आपका क्लोज लूप वाला जो फिनोमिना है, दोनों जो फिनोमिना है इन दोनों फिनोमिना को मिला के हम लोग ईएमआई कहते हैं। ईएमआई का मतलब जो ये दो फिनोमिना, सेकेंड पहला फिनोमिना ये हो गया, हम इसको फर्स्ट कह देते हैं, सेकेंड इसको कह देते हैं। ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इन दोनों को मिला करके, इन्हीं दोनों फिनोमिना को मिला करके हम लोग ईएमआई कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस बात को लिख रहा हूं यहां पर, the above two phenomenon collectively are called EMI, electromagnetic induction. ये दोनों phenomena जो collectively हैं इनको हम लोग EMI के नाम से जानते हैं। तो फैराडे ने पहले तो ये बताया कि भाई ईएमआई क्या होता है। फैराडे ने ये बताया कि जब भी किसी कंडक्टिंग लूप का हम फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, लूप पूरा है तो उसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा, या कोई भी रॉड जो है जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को काटती है तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है। फैराडे ने यह भी बताया कि उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, तो वो जो ईएमएफ की वैल्यू है उसी वैल्यू को निकालने के लिए, वही जो वैल्यू है उसी को हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो केसेस आए थे, एक लूप वाला केस आया था, एक कंडक्टिंग रॉड लाइनों को कट करने वाला केस आया था। तो फैराडे ने यह बताया, फिनोमिना तो ये था कि जब भी लाइनें कट होंगी
तो ईएमएफ पैदा होगा, जब भी लाइनें कट होंगी तो ईएमएफ पैदा होगा रॉड में, और जब भी लूप का फ्लक्स बदलेगा तो लूप के अंदर भी ईएमएफ पैदा होगा। अब कितना होगा ये फैराडे ने बताया था कंडक्टिंग लूप के केस में, लूप के केस में बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं पहला वाला फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई जो है वो ये था, व्हेन द फ्लक्स ऑफ द लूप चेंजेस, व्हेन द फ्लक्स ऑफ द लूप चेंजेस, when the flux of the loop changes, the induced EMF is given by, when the flux of the loop changes, the induced EMF is given by, यहां लिखता हूं मैं, E is equal to minus d phi by dt. इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहां पे माइनस साइन बस इतना सा बताता है, माइनस साइन जो इन्फॉर्मेशन देता है वो ये देता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। फ्लक्स में चेंज को अपोज करने का मतलब कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करेगा, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में चेंज का अपोज करता है, माइनस साइन और कुछ नहीं बताता है। माइनस ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनस से बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लोग समझते हैं कि उल्टा ही होगा, उल्टे सीधे से मतलब नहीं है। माइनस साइन यहां पर यह बताता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो एक इमेजिनरी बैटरी हम बनाएंगे, वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगी, यानी फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो इमेजिनरी बैटरी उस फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगी, और अगर मान लीजिए घट रहा है तो वो इमेजिनरी बैटरी उस फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी से दिया जाता है, इट इज गिवन बाई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। यहां पर मैं नोट डाल के लिख देता हूं, हियर माइनस साइन टेल्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस साइन टेल्स दैट द हियर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, माइनस साइन टेल्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। यहां पर माइनस साइन ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, फ्लक्स के अंदर जो भी चेंज आता है उसको अपोज करता है। ठीक है, फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करेगा। एक फिनोमिना तो ये हो गया, जब किसी भी लूप का फ्लक्स बदलता है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी से दिया जाता है, जहां माइनस साइन जो है वो बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है। ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि अगर मान लेते हैं कोई रॉड जो है वो फील्ड लाइनों को कट कर रही है। ठीक है, तो जब कोई कंडक्टिंग रॉड फील्ड लाइनों को कट करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो उस रेट के बराबर होता है जिस रेट से फ्लक्स काटा जा रहा है। लाइनें जा रही हैं, फ्लक्स काट रही होंगी, तो जिस रेट से फ्लक्स कट रहा है वही इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होता है। तो इस बात को भी मैं लिख देता हूं, पहला तो ये हो गया कि भाई लूप का जो होता है वो माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है। दूसरा जो है ये है, व्हेन एवर द कंडक्टिंग रॉड, व्हेन एवर द कंडक्टिंग रॉड कट्स द, व्हेन एवर द कंडक्टिंग रॉड कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, व्हेन एवर द कंडक्टिंग रॉड कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट एट विच, इंड्यूस्ड ईएमएफ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज द रेट एट विच फ्लक्स इज बींग कट। Whenever the conducting rod cuts the magnetic field lines, the induced EMF is the rate at which flux is being cut.
जब भी कंडक्टिंग रॉड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को कट करती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वो रेट होता है जिस रेट से फ्लक्स कट किया जा रहा है। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ कहा करते थे, और ये वाला जो ईएमएफ था ये तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता था। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा या एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा, इस बारे में हम लोग अब विचार करेंगे। इस बारे में हम लोग विचार अब करने जा रहे हैं कि इंड्यूस्ड जो ईएमएफ पैदा होगा कैसा होगा। तो जो फैराडे के लॉ में जो माइनस आया था उसका एक्सप्लेनेशन मैं कुछ सवालों के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। जो माइनस का साइन आया था वो ये बता रहा था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है, अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाने की कोशिश करता है, घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करता है। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अगर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जा रहा हूं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में बढ़ाते जा रहा हूं, तो सवाल ये आ रहा है आइडेंटिफाइंग बी, मान लीजिए मैं बढ़ा रहा हूं, यहां दिखा दे रहा हूं कि बी बढ़ रहा है, तो सवाल ये बनता है इसके अंदर आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ Identify the direction of induced EMF. ठीक है, induced EMF का direction पहचानो। Magnetic field लगातार बढ़ती जा रही है, तो भाई देखो magnetic field अगर लगातार बढ़ती जा रही है तो जो भी induced EMF पैदा होगा वो इस तरह से पैदा होगा कि वो उस बढ़ती हुई field को घटा सके। तो अब magnetic field देखो अंदर की तरफ है और बढ़ती जा रही है, तो जो भी induced EMF आएगा वो इस तरह से आएगा कि उसकी जो induced EMF की जो field है वो बाहर की तरफ होगी। तो अब अगर मान लीजिए कि इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो एंटी क्लॉकवाइज पैदा होता है, ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, इस तरह का इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा तो ओरिजिनल को अपोज करेगा, तो इसका मतलब इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज होगा। नहीं समझ में आई बात, फिर से सुनिए, आएगी समझ में आएगी। बात यह है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके अंदर क्या है कि आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, देखो बी बढ़ता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है तो अब मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रहा होगा, तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा वो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को घटाना चाहेगा। अब बढ़ते हुए फ्लक्स को तभी घटा सकता है जब इसका जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फील्ड आए वो ओरिजिनल फील्ड का अपोजिट आए, तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज होता है, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो उंगलियों को अगर हम इस तरह से घुमाएंगे तो अंगूठा इधर आ रहा है, तो जो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ आ रही तो ओरिजिनल को अपोज करेगी, यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आप अपने मन में ही सोचिए, जरूरी नहीं कि कोई सवाल बनाया जाए या लिखाया जाए, अपने मन में सोचिए कि अगर मैं इसी फील्ड को घटाने लगता तब क्या होता, तब इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे पैदा होता, क्लॉकवाइज पैदा होता, बिल्कुल होता क्लॉकवाइज, सोचिए कैसे क्लॉकवाइज होता। अगर मैं इसकी फील्ड की वैल्यू को घटाने लगता तो घटाता तो फील्ड घटती, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता वो चाहता कि इस घटती फील्ड को बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए वो उसी डायरेक्शन में फील्ड अपनी पैदा करता जिस डायरेक्शन में ओरिजिनल फील्ड थी, तो फिर उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्लॉकवाइज हो जाता, क्लॉकवाइज हो जाएगा तो उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। तो कहने का मतलब कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो इस तरह से पैदा होता है कि जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अपोज करे, फ्लक्स घट रहा है तो बढ़ाए, बढ़ रहा है तो घटाए, मतलब जो भी फ्लक्स में चेंज हो रहा है उसको अगर अपोज करता है तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होता है। एक और सिचुएशन देखिए, अभी हम लोग डायरेक्शन डायरेक्शन खेलेंगे, वैल्यू पर बहुत आगे आएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद, मतलब घंटे आधे घंटे बाद आएंगे, अभी हम लोग दिशा दिशा निकालेंगे कि भाई इसकी दिशा क्या क्या है, उसकी दिशा क्या है, ठीक है, डायरेक्शन निकालेंगे। ये जैसे मान लीजिए कि एक लूप है, कोई भी एक कंडक्टिंग लूप है और यहां पर एक मैग्नेट है रखा हुआ है, और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, और मैग्नेट को हम ऐसे मूव करा रहे हैं इसकी एक्सिस के लॉन्ग, इस लूप की एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो क्वेश्चन इसके अंदर ही आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालो, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां पर यहां से देख रहा है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है कि अगर मान लो इधर से जो चीज क्लॉकवाइज होगी वो उस तरफ से जो देखेगा उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। तो मान लो ऑब्जर्वर यहां पर आंख बना दी मैंने, तो ऑब्जर्वर अगर इधर है तो इस लूप के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। एक मिनट का समय लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिए। इसके अंदर देखिए ये जो मैग्नेट है इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, हमें इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालना है। तो पहले तो मैं ऐसा करता हूं कि ये पता लगाता हूं कि इस मैग्नेट की वजह से यहां पे फील्ड लाइनें कैसी होंगी। तो मैग्नेट की वजह से देखो नॉर्थ पोल से लाइनें निकलती हैं, कुछ इस तरह की लाइनें ऐसे जा रही होंगी, नॉर्थ पोल से निकलती फिर वो घूम घाम के साउथ पोल से इंटर भी कर जाती है। लेकिन फिलहाल इस मैग्नेट की वजह से इस लूप के अंदर जो फील्ड लाइनें होंगी वो इस तरह से होंगी। अब ये जो मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है ये इसके पास जा रहा है, अगर पास जा रहा है तो इसकी फील्ड लाइनों की जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेट जितना पास होगा फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो ये पास जा रहा है तो पास जाने से फील्ड लाइनों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। फील्ड लाइनों की स्ट्रेंथ अगर बढ़ जाएगी तो इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ये जो अपना फील्ड पैदा करेगा वो ओरिजिनल फील्ड, तो इस वाले लूप के ऊपर जो ओरिजिनल फील्ड है वो इधर है, तो ये जो अपना फील्ड पैदा करेगा वो इस तरफ पैदा कर देगा। तो अपना फील्ड अगर इस तरफ पैदा करेगा तो अपना इस तरफ तभी पैदा कर सकता है जब इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज पैदा हो। यहां से देख रहा हूं मैं, तो अगर ये इस तरह से इसमें करंट पैदा करेगा तभी इसका फील्ड इधर आ जाएगा जो ओरिजिनल को अपोज कर देगा और हमारा काम हो जाएगा। फिर से समझे, ये इसके पास जा रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा तो जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो ओरिजिनल फ्लक्स में चेंज को अपोज करने के हिसाब से पैदा होगी। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा, जिससे कि उसका फील्ड इधर है ओरिजिनल के, ठीक है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज एक बार मैं लिख रहा हूं, इसी को हम लोग आगे चल करके या अक्सर जो है वो एसीडब्ल्यू लिखते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एसीडब्ल्यू इस तरह से लिखा जाता है।